हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं समीक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाने वाले भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साक्षरता, ऑप्शन बी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर या ऑप्शन डी लिंग अनुपात का सही होना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंग अनुपात का सही होना। ये आपका भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि देश का आर्थिक विकास जो है वो 4 संकेतक को लेके चलता है। पहला आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम को लेके कि किस कितनी अगर बढ़ी है तो मतलब अनुमान लगाया जाता है विकास की ओर है देश। तो मतलब इन चीज़ों के आधार पे आपके विकास को देखा जाता है। दूसरा आपका जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। तीसरा आपका मानवीय विकास सूचकांक जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या शॉर्ट फॉर्म पे SDI बोलेंगे। और चौथा आपका है जीवन की गुणवत्ता का सूचक या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसके आधार पे आर्थिक विकास को आंका जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात हुई है आपकी जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में PQLI बोलेंगे। इसका जो प्रतिपादन है सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया। सन 1989 में डी मॉरिस ने एक संयुक्त जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता का निर्माण किया। इसीलिए इस जो इंडेक्स को है मॉरिस डी मॉरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 संघटकों का मिश्रण किया गया, एक शिशु मृत्युता मतलब बाल मृत्यु दर, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा आपका मौलिक साक्षरता। ये लोगों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में निष्पादन का माप करेगा। अब ये जो आपका PQLI है का मान अगर न्यूनतम मूल्य देखा जाएगा तो 1 होगा और अधिकतम मूल्य इसमें 100 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक बात की गई है SDI मतलब मानव विकास सूचकांक के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा, कि इसका जो प्रतिपादन है वो आपका 1990 में UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूल उल हक तथा इनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था आपका AK सेन और सिंगर हंस। इन लोगों ने मिल करके SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन किया। इसमें जो है 3 चरों पे आधारित, ये 3 चर इसमें शामिल किए गए। पहला जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जिसे हम, दूसरा आपका है शैक्षिक उपलब्धि और तीसरा इसमें आपका GDP प्रति व्यक्ति सूचकांक। इन तीनों चीज़ों को इसमें SDI में देखा गया। यही 2 इम्पॉर्टेंट लग रहे थे बताने रहे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक हैं आपके उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर और मेरठ स्टॉक एक्सचेंज जो कि मेरठ में, ये 2 आपके मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में है। आइए अब जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां निवेशक कंपनियों में शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अगर बात कीजिए विश्व के स्तर पे तो पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में
स्थापित किया गया। और अगर देश की बात कीजिए भारत में, तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो कि है आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में, और ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाएगा, ठीक है। तथा इस स्टॉक एक्सचेंज की जो पहुँच है वो आपकी 417 शहरों तक है। और अगर आपसे पूछा जाए ये अवस्थित कहाँ है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और आपका दूसरा जो यहाँ पे बात किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत का सबसे बड़ा व तकनीकी रूप में अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये आपका 1992 में स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये भी मुंबई में स्थापित किया गया था। और अगर कारोबार के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका जो विश्व में तीसरा स्थान है। ये हो गया आपके स्टॉक एक्सचेंज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। 2, फिटकरी नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, उपयुक्त में से सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों ही ये सही हैं। आइए जान लेते हैं अब अम्ल जो कि एसिड के बारे में और प्रबल अम्ल के बारे में। जो कि पहले आप जान लीजिए अम्ल क्या होता है, जो कि यहाँ पे परिभाषा लिखी है, तो पहले इसे जान लीजिए। एक अम्ल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन हो, जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देता हो, तो वो अम्ल कहेंगे, ठीक है। और अगर अम्ल की बात की जाए जो, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, तथा अम्ल का जलीय विलयन जो होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अगर यहाँ पे अम्ल के पीएच मान की बात की जाए तो वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है। जैसे कि सिरका का अम्ल की बात की जाए तो एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, वहीं नींबू में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो ये आपके कुछ अम्ल हैं महत्वपूर्ण जो कि पूछे जाते हैं। सिरका हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी अम्ल के अंतर्गत प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात की गई है। तो जो कि आपके क्वेश्चन में प्रबल अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ तथा ऋण आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या H2SO4, ये आपके उदाहरण दिए गए। जैसे प्रबल अम्ल मतलब H+ अलग हो जाना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें H+ और प्लस आपका Cl- में आएगा, तो ये आपका प्रबल अम्ल होगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेशिया, ऑप्शन बी पूर्ण स्तंभ परजीवी ओरोबंकी, ऑप्शन सी अपूर्ण स्तंभ परजीवी लोरेंथस या ऑप्शन डी अपूर्ण मूल परजीवी चंदन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जो कि सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी पूर्ण स्तंभ परजीवी ओरोबंकी, यह आपका सुमेलित नहीं है। आइए अब जानते हैं कि परजीवी क्या होते हैं या परजीविता। वातावरण में कवक, जीवाणु एवं विषाणु तथा कुछ उच्च वर्गीय आवर्त बीजी पौधे जैसे अमरबेल, लोरेंथस, ओरोबैका, वेलनफोरा और रेफ्लेशिया आदि परजीवी के रूप में उगते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं, मतलब
इनमें पर्ण हरिम का अभाव होता है। ये अपना भोजन जो है वो स्वयं ना बना के दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ पौधे पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं, जैसे कि अमरबेल, ये पूरी तरह से परजीवी होता है। ठीक है, कुछ आंशिक रूप से परजीवी होते हैं, जो इसका नाम है लोरेंथस, विक्षा तथा चंदन। और वो जो कि तने पर परजीवी होते हैं उन्हें हम दो नाम से मूल परजीवी या स्तंभ परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि जैसे पूर्ण मूल परजीवी तो वो होगा आपका ओरोबैंकी। ठीक है, आंशिक मूल परजीवी तो वो चंदन है। पूर्ण स्तंभ परजीवी मतलब तने वाला जो परजीवी है वो अमरबेल है। और आंशिक स्तंभ परजीवी तो वो लोरेंथस तथा विषकम है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑल आउट और गुड नाइट जैसे मच्छर भगाने वाली दवाइयों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोलैथ्रिन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एथेनॉल या ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड। आई थिंक घर में आप ऑल आउट गुड नाइट लगाते होंगे, तो अगर आपने कभी बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। आइए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रोलैथ्रिन। ये आपका मच्छर को नियंत्रित करने के लिए ऑल आउट और गुड नाइट में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए एसपी गुप्ता, ऑप्शन बी जीबी पंत, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति या ऑप्शन डी नरसिम्हा समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एसपी गुप्ता ने तैयार किया था इंडिया विजन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता द्वारा तैयार किया गया। इसके प्रणेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस विजन में भारत को विकसित करने के लिए 5 चीज़ों पर जोर दिया गया था। वो था आपका पहला कृषि और फूड प्रोसेसिंग, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, चौथा आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और पांचवा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास। ये आपको भारत को विकसित बनाने के लिए इन 5 चीज़ों पर जोर दिया गया था, जिसका नाम इंडिया विजन 2020 रखा गया था। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम स्त्री साक्षरता पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में अगर आपके न्यूनतम स्त्री साक्षरता बात की जाए तो वो 52% है, 52% कुछ समथिंग है। ठीक है, प्रतिशत आपका। आइए बढ़ते हैं इसके व्याख्या देख लेते हैं। जो कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो आपकी 65.46% है। और सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता किस राज्य में पाई जाती है तो वो आपका पहले स्थान पे केरल है जिसमें 93% और लक्षद्वीप आपका 92% पाई जाती है। और अगर जो कि राज्य उसमें ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया था इसलिए वहाँ पे ऑप्शन में आपका राजस्थान आंसर था, जो कि अगर कम सबसे कम पूछी जाएगी तो वो बिहार में 51.5% इसकी साक्षरता दर पाई जाती है। आई होप आपको हमारे लाइव हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आपके एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आपके तैयार हो रहे होंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2-3 और क्वेश्चंस भी तैयार होते रहें। तो प्लीज़ अगर हमारा क्वेश्चंस लाइव हुए पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सिर्प वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ये शिल्पवेद का अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिल्पवेद जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद की अगर बात की जाएगी तो वो धनुर्वेद है, सामवेद के उपवेद की बात की जाएगी तो वो गंधर्ववेद है, और ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाएगी तो वो आयुर्वेद है। ठीक है, तो ये सभी के हमने उपवेद आपको दे दिए हैं, शिल्पवेद अथर्ववेद का, यजुर्वेद एंड सामवेद और ऋग्वेद, सभी के हमने उपवेद भी आपको दे दिए हैं। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चैम्बरलिन आयोग का संबंध है ऑप्शन ए बेरोजगारी से, ऑप्शन बी स्मार्ट मनी से, ऑप्शन सी बैंक दर नियमित करने से या ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक की स्थापना से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक की स्थापना से, मतलब चैम्बरलिन आयोग क्यों बनाया गया था? केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए। आइए अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकाकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है ऑप्शन ए दीप्ति नागराजन, ऑप्शन बी स्मृति कार्तिकेयन, ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेय या ऑप्शन डी प्रीति वैश्य। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेय। अब आइए जान लेते हैं काम्या कार्तिकेय के बारे में, जो कि काम्या कार्तिकेय एक लड़की जो कि कक्षा 7 की है और 12 वर्ष की छात्रा है। इसने माउंट एकाकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। जो इसने उपलब्धि हासिल की वो 1 फरवरी 2020 में हासिल की थी। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।